नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएल सिटी लाइव न्यूज। सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे पत्रकार भाईगण, आपके बेगूसराय गंगा सिमरिया की धरती और दिनकर जी की भूमि पर हम आए हैं और आपके प्रभारी मंत्री के नाते आज मैं पहली बैठक आपके जिले में समीक्षा बैठक ली हूँ, जिसमें बाढ़ की पूरी तैयारी कि बाढ़ में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे विभाग हैं, हर विभाग की समीक्षा हुआ और समीक्षा के उपरांत जो बचे हुए कार्य हैं उस कार्य को पूर्ण करने की अनुमति जल्दी से जल्दी हो उसके लिए दी गई। और जो तकलीफ है, चाहे वो कहीं जल जमाव हो रहा है शहर में या चलने में कोई दिक्कत है, कहीं नाले खुले हुए हैं, उसको भी जल्द काम कराने के लिए कहा गया है और किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। और जो हमारा अभी COVID-19 जो चल रहा है तो उसमें टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा लगे लोगों को, टीका हो कि हमारे 18 साल के पूर्व में बच्चों को टीकाकरण हो जाए। और स्वास्थ्य की व्यवस्था में जो ऐसा लगता है कि तीसरा लहर भी आने वाला है जैसे अनुमान हो रहा है, भगवान ना करे कि आए लेकिन अनुमान हो रहा है, तो उसकी भी तैयारी, उसकी भी समीक्षा बैठक हुई है। और सभी तरह से हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे बेगूसराय जिला जैसे पूरे बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सभी लोग लगे हुए हैं कि कहीं कोई परेशानी ना हो। इस परेशानी ना होने के कारण हम सभी लोग मिट्टी में जो भी प्रभावित क्षेत्र में जहाँ भी है वहाँ हम सभी लोग जा रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति से हम कैसे निपट पाए। अगर बाढ़ आ ही जाए लेकिन बाढ़ की सारी तैयारी हमारी हो गई है, तो इसलिए मैं सोची कि आप सभी लोगों से मिल ही लूँ। आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो उसकी भी आप जानकारी हमसे ले लेंगे। तो इस तरह की सारी समीक्षा हुई है, माननीय सभी हमारे विधायकगण उपस्थित थे, हर क्षेत्र का जो भी प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट किए हैं और जल्द ही उसको खत्म करने की कोशिश। जो आप समीक्षा बैठक की है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या उभर के आई है जिले की? हमारी उसमें तो कोई खास ऐसी समस्या आई नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत अच्छा काम हुआ, आपके यहाँ तो जो प्रतिशत आया है कोविड का बहुत अच्छा आया है काम करने का, उसमें ज़्यादा रिकवरी भी हुआ है। और बाढ़ की समीक्षा में जो तैयारी हमारी नाव की, चाहे तैयारी हो चाहे किसी तरह का जो हम प्रबंध करते हैं भोजन का, उनकी हो चाहे आपका प्लास्टिक वगैरह की उपलब्धता हो, इस तरह का भी है। NDRF का जो टीम है उसके लिए भी कहा गया है लेकिन लोग आते हैं। गोताखोर आपके यहाँ ट्रेनिंग है, ट्रेंड गोताखोर हैं, जब भी कुछ होता है तो गोताखोर से काम लिया जाता है। तो इस तरह की सारी तैयारी में अभी तो यही मुद्दा हमारा दो था कि हमारे यहाँ सबसे पहले कि बाढ़ की में कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, 24 घंटे के अगर कुछ ऐसा होता है तो 24 घंटे में अगर रोड पे पानी है या कुछ है उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिजली कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसी सारी समीक्षा जो होनी चाहिए इस तरह की समीक्षा। जिले में एक मैडम है, मतलब दशकों से देख रहे हैं, लगभग एक दशक से ज्यादा हो गया है, बीसी स्कूल के पीछे में एक कल्याण विभाग के द्वारा बिल्डिंग 1.25 करोड़ की लगभग लागत की बनी थी और अभी तक वो हैंड ओवर किया नहीं गया है, लगभग 14 वर्ष से ऊपर होने चली है, इस पर क्या कहना है? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, आपने जानकारी दिया है, उसको जांच करके जल्द से जल्द शुरू कराने का काम करें। शहर क्षेत्र शहरी क्षेत्र में विकास का क्या आपको समीक्षा की? शहरी क्षेत्र में विकास का कार्य चल रहा है, आज आपके यहाँ जो शहर में कहीं भी जाने लायक साइकिल सुविधा रास्ता नहीं है मैडम, उसमें अभी आपके शहरी क्षेत्र में बुडको द्वारा जो नल जल की योजना चल रही है, उस योजना की समीक्षा में हमने स्पष्ट कहा है कि नगर विकास आयुक्त को, और इसलिए उनको ये भी आदेश दिया गया है कि बुडको का कोई भी संवेदक हो वो जल्द से जल्द
उसको पूरा कर उसे भरपाई करे कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो संवेदक है वो चारों तरफ जो नाले की तरफ बना के पाइपलाइन नहीं गिराया है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को समाप्त करने की हमने उसे आदेश दिया। कोरोना से मुक्त के ये सरकार ने 4 लाख रुपये मुआवजा की घोषणा की है। पिछले साल 33 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें ये इस साल का छोड़िए, इस साल में सिर्फ 25 लोगों को ही ये भुगतान हो चुका है। देखिए, कोरोना में जो मानक है, जो भारत सरकार का मानक आता है, और वो पहले सीएम कोष से, सीएम राहत कोष से मिलता था, और सीएम राहत कोष में अगर उस मानक के अनुसार आरटीपीसीआर और एंटीजन में जो पोर्टल का जो प्रशासन की रिपोर्ट है, ये जिला प्रशासन की जो है उसे हम लोगों ने पूरा किया है, और जिसका अगर कुछ बाकी है तो उनके जो परिवार जन है उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। अब ये आपदा विभाग में ट्रांसफर हुआ है, आपदा विभाग में अभी जितने भी सूची, अभी पूरी सूची आई नहीं है, जब सूची आएगी तो हर जिले में हम आवंटन जिला प्रशासन की रिपोर्ट है, जिला 310 लोगों की मौत बेगूसराय जिले में हुई है। तो अभी अभी किसी को अभी तो हो ही रही है, अभी तो आपको पूरी सूची तो मिली ही नहीं है, पूरी सूची अभी मिलने दीजिए। अभी कुछ जगह से गई है सूची, अभी तक 9000 लोगों की सूची आई है, पूरी सूची आ जाती है, उसके पास पैसे तो मिलना ही है। इसमें ऐसा सुनिए, इसमें ऐसा नहीं है कि कोविड-19 जो बिहार के वासी है, बिहार में किस तरह से आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट कराने के बाद पोर्टल में उनका नाम है, उनको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। ये मैडम कोविड टीकाकरण को लेकर लगातार जागरूकता ये चलाया जा रहा है, आपने भी कहा कि ये कल 2 तारीख को मेगा अभियान है, लेकिन देखा जाता है जो ये 2 दिन ये मेगा ये इवेंट चलता है, फिर 2 दिन आप जाइए सेंटर पे टीका मिलता ही नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, आप भी जानते हैं हम जितना उत्साह कर रहे हैं, अगर हमने इस बार टारगेट लिया है 6 महीने में 6 करोड़, तो निश्चित रूप से 6 करोड़ का हम काम करेंगे। हमारे 18 से लेके और 44 साल के बच्चों को इंजेक्शन मिलना है, हमारा इंजेक्शन जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा है वैसे वैसे हम पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये उपलब्धता हमारे देश की है और हमारा अपना वैक्सीन है, तो जैसे उपलब्ध हो रहा है, हम 130 करोड़ के जनसंख्या वाले जगह के हैं, और उसमें भी हम बिहार 13 करोड़ वाले जनसंख्या के हैं, और 13 करोड़ जनसंख्या के लिए हम लोगों का उतना हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। जैसे जैसे आपको आएगा वैसे वैसे जिले में उपलब्ध होंगे और निश्चित रूप से सारे लोगों को लगे। मैडम, दो नदियां हैं बेगूसराय में, दो सहायक नदियां हैं जो मृत प्राय होने की स्थिति में, या तो पानी आता है तो बाढ़ ही हो जाता है, नहीं तो मृत प्राय हो गई है, बलान और बैठी। देखिए, बलान और बैकी की जब बात है, अभी तो वर्षा का समय है, आपने इस पर ध्यान आकृष्ट कराया है, तो निश्चित रूप से हम लोग बरसात के बाद उस पर चिंतन करेंगे कि किस तरह से उसको ठीक किया जा सके, जिसका अस्तित्व बना रहे और लोगों की सिंचाई में वो काम आ सके। मैडम, आप मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की प्रभारी मंत्री भी, और पहली बार आप बेगूसराय आए हैं, बेगूसराय वासियों का यह अधिकार है दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय, जिनका आपने जिक्र भी किया, और बहुत सारी बहुप्रतीक्षित मांगे, जैसे हमसे कम राजस्व देने वाला दरभंगा में एयरपोर्ट की सुविधा है, और जो ट्रामा सेंटर की मांग यहाँ होती रही है, और काफी अपेक्षाएं आपसे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम लोगों ने ट्रामा सेंटर जो प्राइवेट कर रहे हैं उनको तो कभी हम लोगों ने रोका नहीं है, हम लोग तो कहा है कि भाई कोई भी किसी भी मॉडल पे हो चाहे अपना प्राइवेट हो, वहाँ ट्रामा सेंटर होना चाहिए। ये तो सरकार की तरफ से किसी ने रोक नहीं लगाई है कि अच्छी हॉस्पिटल हमारे यहाँ नहीं हो, निश्चित रूप से बनाने का अधिकार है सबका। आपके यहाँ कमी है, जितने आपके यहाँ अभी जिस स्थिति में आपका जिला है, रिच स्थिति है, लेकिन लोग बना नहीं रहे हैं, उन्हें बनाना चाहिए, और उसमें भी नहीं बनता है तो पीपी मॉडल में सरकार से बात करनी चाहिए और उसको बनाना चाहिए। दिनकर विश्वविद्यालय में हम हमारा अधिकार है, उसको चुनाव के समय हमें आश्वासन दिया जाता है, लेकिन हमारी ये मांग, हमारा अधिकार कब बेगूसरायवासी को मिलेगा? देखिए, हम उसी कोशिश कर रहे हैं, आप बात को रखे हैं, हम इसका स्वीकार करते हैं और कोशिश करते हैं। मैडम, समाचार संकलन के द्वारा हमेशा अक्सर देखा जाता है बेगूसराय में पत्रकारों पर हमला हो जाता है। किसने हमला? बलिया में भी हुआ, मंडोल में भी हुआ, आए दिन पत्रकार टारगेट किए जा रहे हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता है उन पर हमला किया, बीजेपी के कार्यकर्ता उस पर हमला किया, जानलेवा हमला किया।
दो जगह पे घटना है, बलिया में राजद के प्रतिनिधि के द्वारा हुई। ये सबसे बड़ी बात क्या है, मैं किसी को नहीं जाना चाहती, यहाँ आपसी आपकी मंजिल से क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सकती। आप मुझे पूरी जानकारी जब देंगे। पर्यटक के क्षेत्र में मैडम, क्योंकि जमंगलागढ़ कांवड़ झील का मुद्दा बरसों से चलता आया है बेगूसराय में, बिहार पर्यटन के क्षेत्र में आगे भी बढ़ी है, तो निश्चित रूप से अगला कदम जो होगा जयमंगला। और आपको छोटा सवाल, बेगूसराय में एक नदी हुआ था जो आज विलुप्त होने चंद्रभागा, और आज उसकी स्थिति है कि वो नाले का स्रोत बन के रह गई है, जानकारी क्यों है आपको बता रहे हो? बता रहा हूँ, मैं लिख के नहीं दे सकता आपको सवाल जानकारी दे रहा हूँ। वो नदी की बात कही और तीसरी नदी अभी आई, हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि कोई नदी की विरूपता नहीं हो, क्योंकि जल जीवन और हरियाली हम कहते हैं अगर है तो हमारा जीवन है, और उस जीवन को रखने के लिए तीनों को संजोग के रखना पड़ेगा, तीनों को संजोगने के लिए सरकार तैयार ही है। तो बरसात के बाद हम सभी लोग आप सभी लोगों के साथ बैठेंगे और इसमें चर्चा करेंगे और आपको एक सुझाव हमें देंगे, उस सुझाव पर हम काम करेंगे। एक अंतिम सवाल मैडम, पावर हाउस चौक पर 10 कट्ठा के लगभग जमीन में छात्रावास हुआ करता था जेडी कॉलेज का, पूरी बिल्डिंग ढह गई है और आज वो अतिक्रमण का शिकार है, अगर वहाँ संभव है कि एक ओबीसी छात्रावास बनाया जा सके या छात्रावास को फिर से निर्माण करा के छात्रों के हित में कुछ कदम उठाया जाए? मैम उलाव का एक मॉडल स्कूल है जो लगभग 5-6 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी है, करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ है सरकार की। जी जी, वो मैम उसमें अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? अभी मेरे संज्ञान में दे रहे हैं, तुरंत हम जवाब दें ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आपने संज्ञान में डाला है, मैं उसको संज्ञान लेके आपको अगले जब मैं बैठूंगी आपके साथ में अगली बार बात करूँगी। मैम एक सामो का सदर सामो के एक अस्पताल भी है मैम जो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुआ था, ऐसा कीजिए सारे संज्ञान में डालिए, और ये तो पहली विजिट हमारी है, मैं जब दूसरी विजिट में आऊंगी तो मैं सारे प्रश्नों का जवाब प्रोजेक्ट जो है मैडम हर घर जल नल योजना, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहाँ पाइप नहीं पहुंच पाई, चाहे वो सामाजिक प्रतिरोध हो या जिस वजह से, इसके लिए कोई खास योजना? इसके लिए आज हमें साफ विषय योजना के तहत आज हम लोगों ने इस बात की समीक्षा रखी है और इसमें माननीय विधायक जिनका क्षेत्र है उन्होंने भी बात कही है, हम लोगों ने कहा है कि अगर कोई छूट गया है जहाँ पूरा भी हो गया हो, जो छूटा हो उसको भी छूट गया। बढ़ते अपराध मैडम एक सवाल है, बिहार में स्वास्थ्य के दावे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवा बहुत मजबूत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आंख के इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, क्या ये सवाल करता है? अरे ऐसा क्या है, हमारा हॉस्पिटल है जो एम्स, कहीं भी हम यहाँ कराए चाहे वहाँ कराए, यहाँ भी हम खुद ऑपरेशन यहाँ कराए हैं, ऐसा थोड़ी है, हमारी व्यक्तिगत इच्छा जहाँ होगी वहाँ कराएंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि अरे वो भी तो सरकारी हॉस्पिटल में ही गए, वो भी एम्स में ही गए, बिहार में आपके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा है कि शराब पीना थोड़ा सा अगर कोई पीछे है तो कोई बुरी बात नहीं है, ये पॉलिटिकल सवाल है, इसका किस नजरिए से? भैया हम पॉलिटिकल सवाल नहीं करते हैं, अपनी व्यक्तिगत उनका अपनी राय है, हमारी राय है, बंद है तो बंद है। क्या सरकार अपना टर्म पूरा कर पाएगी? निश्चित रूप से टर्म पूरा होगा, इसमें आपका कहाँ से संदेह है, 5 साल सरकार चलेगी, बहुमत वो तो बस बोलते ही रहने दीजिए, वो उनको बोलने की आदत है, इसलिए हमें उस पर नहीं है, मेरा विश्वास है हम सभी एनडीए के लोगों ने जिस विश्वास के साथ में सरकार बनाए हैं निश्चित रूप से उसको 5 साल पूरा करेंगे, और जो हम लोगों ने वादा किया है काम का वो भी काम करेंगे। प्रभारी मंत्री पहली बार इतना दिन आई है, निश्चित रूप से प्रभारी मंत्री क्या, आज मैं तो पहले भी खगड़िया जिला की प्रभारी मंत्री रही। आपको सिविल सर्जन जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ACMO और DS सभी का पद खाली है।
फोन भी उठाने का प्रयास नहीं कर समझते हमें संविदा कर्मी और रेगुलर कर्मी का मैडम सवाल हुआ। चलिए बहुत धन्यवाद सारे पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न पूछा और आपको जवाब मिलना चाहिए।